वेट वेट पर आ गया इंग्लिश हिंदी आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है बिकॉज इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, शीप्रेन्योर्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू यू नो गिव देम दैट लाइट एंड आई एम सो हैप्पी शी इज़ नॉट जस्ट पिकिंग पीपल फ्रॉम वन फील्ड. इतने सारे फील्ड से मैंने सारा देखा उन्होंने, यू नो फ्रॉम टैरो टू स्किन टू हर एक फील्ड में किसी न किसी को चूज़ किया. एंड आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट यू नो टू हैव अ प्लेटफॉर्म वे यू आर एक्चुअली गिविंग दैम बिकॉज उनको एक हौसला मिलता है जब आप कोई अच्छा काम कर रहा है उस फील्ड में एंड आप उनको एक अवार्ड देते हैं. दे गेट मोटिवेटेड टू डू इवन बेटर एंड आई थिंक दैट ऑल्सो इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ अदर वुमेन आउट देयर हु आर लुकिंग एट दीज वुमेन यू नो फॉर इंस्पिरेशन. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आई वी फाउंडेड दिस थिंग से वेरी से अबाउट अ ईयर अगो. एक साल पहले ही किया है हमने इसको और इट इज़ अबाउट गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग वुमेन टुगेदर. जितनी ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ में आई हैं, यहाँ पर भी हैं, वो सारी ही और सभी दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन फील्ड्स ऑफ वर्क एंड पीपल हैव जॉइंड अस फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम सूरत एंड इवन फ्रॉम अदर सिटीज़ लाइक पुणे एंड यू नो फ्रॉम मुंबई. सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेर वी आर एनकरेजिंग वुमेन टू डू एंड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अदर वुमेन एंड दैट्स हाउ द कैंपेन इज़ ऑल अबाउट. सो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू हैव इवन मोर सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन हु इज़ जॉइनिंग अस इवन इन कमिंग मंथ्स. सो वी आर गोइंग टू लॉन्च our magazine which is Aspiring She and that's going to launch. We have already done our cover shoot with Nandita Mehtani and she is on the cover and it's going to get unveiled very soon, having you know top 20 women entrepreneurs also to look up to in 2019. So that's the main you know inside story in that. And we are going to have a lot of you know launch campaign and everything, and we are going to launch our breast campaign you know nationwide campaign in this show itself. So that also I would say that women should come forward and they should talk about it and help each other and support each other. So that's what the platform is all about. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Men's bhi bahut zyada support kar rahe hain jo hai aane wale time mein. Toh kitna proud feel karti hai? I think I'm very proud because without my father, husband or my brother, I couldn't do what I'm doing. They give me the wings to fly. Aur itna zaruri hai aapko unka support lena because at the end of the day, you know, they feel happy with every award that I bring back home or with every event that I do. They feel more happier than I am. So I think unka support, I'm very lucky to have three very encouraging people in my life. Right. As a woman, aapse aur ek cheez jana chahunga. Me Too movement jo shuru ho chuka hai. Uske bare mein kuch kehna chahenge? Abhi jo controversy bhi chal raha tha Tanushri aur Nana ji ke beech mein kuch. See, I think women ke upar jab bhi there is something like that, I think the entire industry should stand up and support them. That's all I'd like to say, that everyone should be there in full support. Okay, ma'am. And any upcoming project you would like to share? There are a lot of upcoming projects. We're working on some really interesting ones in the pipeline. But announcement ke liye aap log ko wapas bulaungi ek bari. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you so much. Do to ho. Thank you.
sir. Ma'am, look this. Thanks. Well, हमारी प्रिया मोटी है देखो. हैं मैम. ओके चलो रातो भाई. ओके चलो बैठ के बहुत सारी वुमेन्स को आप भी इंस्पायर करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एस्पायर शी के बारे में और इस इनिशिएटिव के बारे में? सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद है. बेसिकली होता है कि कर्टन्स के पीछे जो लोग काम करते हैं उनके नाम याद करने में बहुत साल लग जाते हैं, तो यकीनन मैंने बहुत काम किया है जो आपको मेरा नाम याद है. थैंक यू सो मच. देखो एस्पायरिंग शी अपने आप में नाम ही स्पेसिफिक है कि एस्पायरिंग शी मतलब इंस्पायर करने वाली औरत. इट्स वेरी क्लियर, इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं. तो आज यहाँ पर हर वो औरत जिसने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया है एंड एवरी सिंगल वुमेन जिसकी आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज अट्रैक्ट नहीं करेंगी, उनकी फेलियर के पीछे भी क्या कहानियाँ और उससे जैसे मैंने भी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं और एवरी फेलियर मेड मी अंडरस्टूड ओके दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ द राइट वे. सो दैट्स हाउ यू अचीव इन लाइफ. और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इस बात में कि हर मर्द के पीछे औरत हर मर्द की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है. मैं समझती हूँ कि हर औरत के पीछे उसका हाथ होता है और हर मर्द के पीछे भी होता है. तो बेसिकली संसार को चलाने वाले ब्रह्मा जी ने कहा साक्षात औरत है. तो एस्पायरिंग जी वुमेंस को डेडिकेटेड उनके अचीवमेंट उनकी सक्सेस को डेडिकेटेड एक अवार्ड है. और ऐसी जो पहल है जो हमारी सौम्यता जी ने जो अरविंद जी ये लोग ऐसे हैं जो बेसिकली चाह रहे हैं कि अब सी हमारे सेलेब्स के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूँगी आपको दो कैटेगरी आती है, एक बॉलीवुड दूसरा क्रिकेट. लेकिन आप मुझे बताओ बॉलीवुड को सिर्फ एक चार स्टार छोड़ दो, अगर आप चार एक्ट्रेस छोड़ दो या फिर क्रिकेटर्स में से वो जो 11 लोग फील्ड पे खेलते हैं वो जो हज़ार लोग हैं जो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं वो जो टेक्नीशियंस हैं जो वो कहाँ हैं? दे आर ऑल्सो स्टार इक्वली स्टार. सो उनको जो कर्टन्स के पीछे लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनको इस तरीके के अवार्ड्स को देना और इस तरीके से उनके अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने लाना अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडिट है एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. ये ठीक है कम कम हाँ जी रोल रोल. और रिधिमा मैम सबसे पहले एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने इंस्पायर होते हैं आप इस स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन से जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने? एस्पायरिंग शी इज डूइंग आई थिंक अ वंडरफुल इनिशिएटिव टुवर्ड्स एम्पावरिंग विमेन. एक औरत में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू अचीव सो मच इन लाइफ, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मल्टीटास्क करते करते औरत खुद को प्यार करना भूल जाती है. मेट्रो सिटीज़ में पढ़ी लिखी लड़कियां भी एक दूसरे को एल्बो करके गिरा देती हैं. तो ये जो आज इस मंच पे मैंने सभी अचीवर्स को बोलते हुए देखा है ये सब कुछ ना कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं सोसाइटी में. हम खुद को प्यार नहीं कर पाते हम दूसरे को क्या एम्पावर करेंगे. तो आई थिंक ये एक कुछ हम लोग सब जो मिले हैं आज संडे आफ्टरनून ये एक अच्छा ज़रिया है बिकॉज़ वन ऑन वन जब आप एक दूसरे को एम्पावर करते हो और जैसा कि किसी ने कहा था कि एम्पावर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हायर कर लो. मेरी मम्मा जैसा कि हर बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी और सबसे पहली टीचर होती है, मेरी मॉम मल्टीटास्कर है लेकिन मॉम ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो या वो कर सकते हो. आज भी इतना अचीव करने के बाद एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा सफलताएँ भी देखी हैं और मम्मा बस यही बोलती है कि सूरज की रोशनी तो वहीं रहती है, सिर्फ बादल आते जाते रहते हैं. तो मेरी माँ मुझे एम्पावर करती है, मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ, मैं अपनी बाइयों से बात करती हूँ. क्यों? क्योंकि ये जो मंच जो कर रहा है कहीं ना कहीं अगर हम भूल गए इसे तो ये वापस पोक करके हमें बोल रहे हैं डू योर बिट बिकॉज वी ऑल रिक्वायर इट. एंड इंस्पायरिंग शी बाय एक्नॉलेजिंग द अचीवमेंट्स ऑफ सच विमेन पावरफुल विमेन हु हैव अ वॉइस बिकॉज सब में ये दम नहीं होता, मॉडर्न हर कोई होता है, लिटरेट हर कोई होता है, लेकिन अपनी बात को कहना और वो भी मजबूती से कहना हर कोई नहीं कर पाता है. तो ये आज जो औरतें जुड़ी हैं उन सबकी एक आवाज़ है और अगर हम एक दूसरे की कहानी सुनकर प्रोत्साहित हो सकते हैं, अगर ज़िंदगी में हमारे शायद 1% कमी भी है तो आज आप लोगों ने वो जज्बा वापस से मुझे उचका दिया. तो इंस्पायरिंग शी थैंक यू सो मच बिकॉज ये
अप्रिशिएशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. आपको, मुझे, इनको सभी को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है. एंड आज इस मंच के ज़रिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस सो मच लाइट. आई मीन इसके बाद आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये महसूस किया है. और एक एक महिला ने जैसे अपनी बात रखी, आई थिंक दे डायरेक्टली कनेक्टेड विद सोल्स. या वी हैव टू गो नाउ, वी हैव टू यस, थैंक यू, थैंक यू. या तुमको दे रहा हूं, चलिए भाई कर लो बात, कल बात कर, नहीं चलो ओके स्टार्ट कर, वेट 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 मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट टू से अबाउट द एस्पायर शी एंड हाउ मच इट्स इंस्पायरिंग. सबके स्वागत है. एंड मेरा नाम सुजाना बैनर्ट है, मैं एक्ट्रेस हूँ. और ये बहुत बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि मैं यहाँ इन्विटेशन मिला एस्पायरिंग शी इवेंट के लिए. एंड मैं इतने सारे कहानियाँ सुना है, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी एस्पायरिंग. तो आई एम फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी हियर. राइट, आमिर खान के साथ आपने काम किया है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? आमिर खान और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एस्पायरिंग शी इवेंट में मैं क्या बोलूँ. आई विश हिम ऑल द बेस्ट, बहुत एक्साइटेड है. द पोस्टर्स आर लुकिंग ग्रेट, आई विश हिम ऑल द बेस्ट. चीयर्स टू आमिर. एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. और मैं उस बारे में अभी नहीं बात कर सकती हूँ, क्योंकि पूरे प्रमोशंस नवंबर से है. एंड आई देन यू कैन टॉक टू मी एंड आस्क मी एनीथिंग. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ये राम बहुत परेशान करता, बड़ा नाम ही राम है उसका. हाँ जी हाँ, काम्या जी, सबसे पहले तो आपको हमेशा से वुमन लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, क्या कहना चाहेंगे एस्पायरिंग शी के बारे में? अच्छा लगता है जब विमेन अवार्ड होता है या एस्पायरिंग शी ऐसे किसी नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है. जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है. ऐसा लगता है कि अगर इतने सारे लोग, व्हेन सो मेनी पीपल आर लुकिंग अप टू यू, आपको अच्छा ही अच्छा करना है आगे जाकर भी. तो हाँ, इट्स एन इंस्पिरेशन एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील. और अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है. एज अ वुमन, आपकी लाइफ में ऐसी कोई वुमन है जिसे आप इंस्पायर होती हो, उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? ऑफ कोर्स, आई थिंक हर बेटी के लिए उसकी माँ एक हीरो है. मेरे लिए भी है, मेरी माँ ही है जिन्होंने, आज मैं जैसी भी हूँ उन्होंने मुझे बनाया है. उन्होंने एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि गिव अप ये चीज़ क्या होती है, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है. वो हमेशा मुझे यही बोलती रही, एक ही लाइन कहती, तू तो बहुत स्ट्रांग है. तो इस लाइन ने इतना प्रेशर बना कर रखा है हमेशा कि गिव अप क्या होता है मुझे नहीं पता, और हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. तो ये जो चीज़ है ये मुझे मेरी माँ से मिली है. वो मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और मुझे हमेशा एक पुश दिया है कि मैं आगे बढ़ते रहूं. जैसे हम सब जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो और वुमन के लिए हमेशा से बेबाकी से बात करते हो, तो हमारे देश में जो है मीटू मूवमेंट शुरू हो चुका है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तनुश्री और नाना पाटेकर, क्या व्यूज़ है आपके अगर इस बारे में? मैं सच बताऊँ तो मैं वहीं पर बोलती हूँ जहाँ पर मुझे पता होता है. मैं नाना पाटेकर की दोस्त हूँ, ना मैं तनुश्री की दोस्त हूँ. मुझे सच नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ. हाँ सुन रही हूँ बट फिर भी मुझे डिटेल में नहीं पता. तो मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर एक औरत को हक है कि वो
अपनी आवाज़ उठाए हर एक चीज़ में और अपने हक़ के लिए लड़े, चाहे वो आज हो चाहे वो 10 साल बाद हो। लेकिन हाँ, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किचन की लड़ाई हो, चाहे वो देश की लड़ाई हो, चाहे वो अपने काम की लड़ाई हो। लड़ना बहुत ज़रूरी है अपने हक़ के लिए, स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। और वो हिम्मत जितनी जल्दी आपके अंदर आए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो आई टॉक इन हिंदी और इंग्लिश चलेगा दोनों? लुक कैमरा। ओके ओके, मराठी आता ही नहीं है। ओके, क्या कहना चाहेंगे एस्पायरिंग शी इनिशिएटिव के बारे में, और एज अ वुमन आप क्या सोचती है? वुमन्स को फेलिसिटेट भी किया जा रहा है वहाँ पर, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ वुमन ओनली आई एम प्राउड, बिकॉज आई थिंक ब्लेसिंग होती है गॉड की। वुमन हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन जनरल इन लाइफ। एस्पायरिंग शी एज अ नेम सेज, एस्पायरिंग शी जो लाइफ में कुछ बनना चाहती है शी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है सौमिता तिवारी ने विद मेजर अरविंद तिवारी, बहुत ही इंस्पायरिंग है। बिकॉज एक्चुअली इन लाइफ में मैंने कभी इतने सारे यू नो अचीवर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ नहीं देखा है। तो जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं लोगों की, आप सिर्फ इंस्पायर ही होते हैं। यू गेट रियली मोटिवेटेड टू डू बेटर एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कनेक्शंस होती है, नेटवर्किंग होती है, और कुछ अच्छा करे, बेहतर करे और लोगों के लिए। एंड आई लव मैन, आई ऑलवेज से, एंड आई लव वुमेन, एंड आई थिंक टुगेदर वी कैन मेक अ बेटर इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल द वुमेन्स? आई लाइक आई सेड, यू नो वुमेन शुड हैव अ वॉइस एंड चॉइस, सो यू नीड टू हैव अ वॉइस। एंड आपके पास चॉइसेस होती हैं, अगर आप लाइफ में दो चीज़ें कर लेते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू यू नो कि कुछ वक्त के बाद कुछ करूँगा। वक्त किसी के पास नहीं है, बहुत कम वक्त होता है लाइफ में। तो जो भी ड्रीम है आप पूरे दोनों बाहें फैला के यू नो गो हैड एंड जस्ट लिव इट अप एंड अचीव ऑल यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। सब हो सकता है लाइफ में, यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ। एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने वुमेन्स को भी फेलिसिटेट किया जा रहा है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं और कितना हौसला बढ़ेगा जो वुमेन्स यहाँ पर आई है? देखिए, इस अवार्ड फंक्शंस तो बहुत होते हैं, हम खुद भी बहुत सारे, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बहुत सारे अवार्ड करता है, लेकिन इस अवार्ड फंक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत ही अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो फील्ड हैं, इसमें से बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, उन्हें भी मतलब लाया गया है। बहुत सारे मतलब जो बोलते हैं ना कि वॉक्स ऑफ लाइफ्स हैं, और बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ से यहाँ पर महिलाओं को चुना गया है और उन्हें मतलब एक अचीवर्स के तौर पर एक अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि हम सभी, मुझे लगता है हम प्राउड फील कर रहे हैं। हम काम अवार्ड के लिए कभी नहीं करते हैं, कोई भी काम अवार्ड के लिए नहीं करता है, लेकिन जब उसके काम को एक अवार्ड के तरह एक तरह से एक रिकग्निशन मिलता है तो खुशी ज़रूर होती है और बिल्कुल हौसला तो ज़रूर बढ़ता है। यस ऑफ कोर्स, मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकती हूँ? ओके, सो वी आर एक्चुअली रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू कम टू सच अ प्लेटफॉर्म वेयर वीमेन, एज रेखा जी सेड, हैव बीन ऑनर्ड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव लर्न फ्रॉम वन अनदर। It's a choice and a voice that we have. If anybody's had a problem, they've spoken about it. And I don't believe in women empowerment. I don't think you need to empower a woman. I think a woman is powerful on her own. Hum log jitne roles hum log manage karte hai, you're a mother, you're a wife, you're a working woman, you're a daughter-in-law, you're a friend. I think we're managing all our roles wonderfully. And it's really, really nice to get support from all our families, all Bilkul. Our husbands. Bilkul. And that's the only way we can achieve it. So thank you very much, Sumita Tiwari and Major Arvind Sharma, for having us here. Thank you. Yeah, hi, मैं शिल्पी अवस्थी, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल।
सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एस्पायरिंग शी, जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया हमको कि अवार्ड्स मिलते हैं तो हम लोग को एक मोटिवेशन फील होता है कि हम अपने लाइन में कुछ कुछ अच्छा करते रहें एंड एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में एंड उससे हम लोग और ग्रो होते हैं, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके नए नए फील्ड में अपना कदम रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है सौम्यता तिवारी ने हमको, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, बट आई एम एंजॉइंग अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया मीडिया आप सब। थैंक यू, अरे आप हमारे हिस्सा हो मैम, मैं भी आप लोग हमारे हिस्सा हो, क्योंकि मैं भी आप लोग के भाई बंधु हूं ना, ठीक हुई तक आप हमारे हिस्सा हो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, अपना अपना काम करते हैं। हां ही ना आपको करना जरूरी है। प्रिया 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 मैम प्लीज कम कर। सबसे पहले तो मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। चलो अभी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एज अ वुमन कितना प्राउड फील करती है जब वुमन को फेलिसिटेट किया जाता है? ऑल टुगेदर ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, जो इनिशिएटिव जो लिया है सौम्यता तिवारी एंड ऑफ कोर्स मेजर आनंद तिवारी ने, इट्स लाइक ऑसम प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द वुमेन स्पेशली एंड वी ऑल आर अवेयर नाउ यू नो कि जो वुमेन एम्पावरमेंट हम जो बात करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को प्रूव भी करते हैं विद ऑल द डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट। और हमने हर कोई जहाँ पे यू नो वी आर लाइक फेलिसिटिंग ऑलमोस्ट लाइक 100 वुमेन ओवर ईयर, तो हर किसी ने अपने प्लेटफॉर्म में अपने फील्ड में बाकायदा बहुत ही अच्छा काम किया है एंड ये जो अचीवमेंट है, और जब उस अचीवमेंट को हम सराहते हैं इस तरीके से, देन येस वी रियली फील प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। बिकॉज पहले के ज़माने में हम जानते हैं यू नो हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, हमें हमेशा ये बोला जाता था कि कुछ भी कर लो, लाइक बींग ए गर्ल बींग ए वुमन कुछ नहीं होने वाला। इवन जो पहले के ज़माने में होते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं अलाउड थी, तो आज अभी जिस टाइम पे पढ़ाई लिखाई नहीं अलाउड थी, आज लड़कियाँ आज वुमेन आज ऐसी लाइक यू नो आई कुड से मुकाम में है जहाँ पे इस तरीके से लाइक फेलिसिटेट किया जा रहा है। सो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है। सो एज अ वुमन आपकी लाइफ में बहुत सारी वुमन आई होगी, तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? हालांकि आप भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, आपने भी, तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? मेरी मदर, ऑनेस्टली माई मदर इज़ माई इंस्पिरेशन एज वॉज लाइक बचपन से ही, लाइक एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ लिटिल बिट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। तो येस माई मदर इज़ द वन जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई अपने लाइफ में, पेशेंस, इमोशनल बैलेंस, लाइफ पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करना होता है, अपनी लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना होता है, सेक्रीफाइसेस ऑफकोर्स। सो येस फॉर मी इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी माई मदर, जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है और हर बार मुझे यही सिखाया है कि लाइफ गोज ऑन, इट मूव्स ऑन एंड इट्स ब्यूटिफुल नो मैटर वॉट। राइट, जैसे आपने कहा कि वुमेंस को आजकल उस तरह का दर्जा भी दिया जा रहा है, तो मीटू मूवमेंट भी हमारे देश में स्टार्ट हो गया है और तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा आपने, अगर उस बारे में कुछ कमेंट करना चाहे आप, क्या व्यू पॉइंट है? नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट यस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, किसी के पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर किए बिना मैं इतना कहना चाहूँगी कि वी शुड नॉट एनकरेज फ्यू थिंग्स और डीमोरलाइज फ्यू थिंग्स, जिसके वजह से अगर एक्चुअली में वो इंसिडेंस हुआ है तो किसी लड़की को या किसी वुमेन को वो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सामने आने के लिए, जो हमारे कंट्री में बहुत सालों से होती आ रही है। लाइक यू नो मैनी ऑफ गर्ल्स और वुमेन ये सारी चीज़ें फेस करती है, बस सामने सोसाइटी में आती नहीं है, बिकॉज पता नहीं सोसाइटी उस बारे में कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एक्चुअली हुआ है सच इंसिडेंट, उस इंसिडेंट को सामने लाने के लिए उतनी हिम्मत उतनी एनकरेज आप रखो। एंड आई डोंट थिंक सो, आई रियली फील बैड अबाउट दोज ट्रोलर्स यू नो जब ट्रोल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि कोई भी लड़की या कोई भी वुमेन, सी देयर आर फ्यू मे बी कुड बी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू
तरीके से कोई भी लड़कियाँ कोई भी वुमेन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को दाव पे लगा के कोई आपका फेम या आपकी पब्लिसिटी या आपके कमेंट्स या आपके सिंपैथी के लिए वो नहीं करती हैं. सो समहाउ आई फील कि जो ट्रोलर्स हैं वो बिना बात के ट्रोल करने से ज़्यादा ये है, अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है आप चुप बैठिए, और अगर आपको पता है देन इधर आप सपोर्ट कीजिए या मत कीजिए, बट बिना बात का आप ये मत बोलिए कि पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ भी करता है. सो दैट्स नॉट ट्रू. On a lighter note, where can we see you next? Any upcoming project you would like to share with us? Definitely, you'll come to know very soon, I'm sure. So yes, till then, थोड़ा बहुत वो suspense और surprises रहने चाहिए लाइफ में. अगर लाइफ में suspense और surprises नहीं रहे ना, then life बहुत ही ज़्यादा normal हो जाती है. So yes. Sir, I'm Major Arvind Tiwari. Nice meet you. Same here. Sir, anything you would like to say to audience about this initiative and Okay, this is about aspiring she, so it is more appropriate for women to talk about it, but I feel that even men have equal responsibility towards uplifting the status of women in the society. And all those of you behind the camera, you all have mothers, you have daughters, you have sisters in your houses, respective houses, so you know, just let them loose, just let them take the flight of their imagination and let them do whatever they want to do. Let me tell you, women are very responsible. Your daughters, your sisters, everybody is very responsible. They know what is right, what is wrong, and they will never let you down. So you should make efforts to make this country better in terms of gender equality index and all that stuff, because that is why we are lacking. Isliye hum viksit deshon se kafi piche hain, kyunki 50% se zyada या फिर 40-50% जो भी महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले होता है जनसंख्या में, अगर वो चीज़ ठीक से टैप नहीं की जाती है तो वो एक तरह से ऐसा होता है कि 50% पोटेंशियल आपके देश का वेस्ट हो गया, तो आपका आउटपुट जो है एज अ कंट्री काफ़ी उसमें अफेक्ट हो जाएगा. एंड देन वी विल कंप्लेन कि हम विकसित देशों से पीछे हैं और हम ऐसा है. तो मेन फैक्टर इन दिस इज़ टू make use of that untapped potential of more than 40-50% population of this 125 crore strong country. You need to let your women do what they want. They are very responsible, they know where they are heading, and they will always bring good name and accolades to you. Believe me, trust me, this is what I have done, this is what I advise everybody of you to do. Thank you. Okay, thank you so much. Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. Subscribe kijiye. Please subscribe.